2007 की पहली आईपीएल को स्पॉन्सर करने वाला डीएलएफ ग्रुप आखिर कितना बड़ा है, आइए जानते हैं। 1946 में चौधरी राघवेंद्र सिंह ने डीएलएफ यानी कि दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस ग्रुप की शुरुआत की थी, लेकिन इनकी असली ग्रोथ 1960s के बाद शुरू हुई जब इनके सन इन लॉ कुशलपाल सिंह ने डीएलएफ ग्रुप को ज्वाइन किया। आज 15 स्टेट्स और 24 सिटीज में मिलाकर डीएलएफ के पास 10,000 एकड़ जमीन है। पिछले साल डीएलएफ ग्रुप ने 6,000 करोड़ के रेवेन्यू पर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। ऑन एन एवरेज इनके एक घर की प्राइस 1.5 से 2 करोड़ तक जाती है और इन्होंने ऐसे आज तक 10 लाख घर बेचे हैं, यानी कि इन्होंने आज तक 15 से 20 लाख करोड़ तक की प्रॉपर्टी सेल की है। 2007 में डीएलएफ के आईपीओ के लिए लोग इतने एक्साइटेड थे कि उस वक्त ये इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ बन चुका था विद अ वैल्यू ऑफ 9,187 करोड़, और आज यही डीएलएफ ग्रुप 10 गुना बढ़कर 90,000 करोड़ का हो चुका है। आज भी डीएलएफ ग्रुप में कुशलपाल सिंह एंड फैमिली का 75% का हिस्सा है, जिससे आज इनकी नेटवर्थ 70,000 करोड़ की है। सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए।